दोस्तों, लंच हो या डिनर, रोटियों के बगैर तो ये अधूरा ही है। सबका अपना तरीका है रोटी बनाने का। किसी की फूली फूली रोटियां बनती हैं, तो किसी को रोटी बनाने में काफी जद्दोजहद लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी रोटियां हमेशा फूली फूली बनेंगी, लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं आटा। फ्रेंड्स, अच्छी रोटी बनाने के लिए आटा सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप भरकर गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे। तो ये 1/2 टीस्पून ही नमक मिलाया मैंने। अच्छे से एक बार इसे मिला लेते हैं। और मेरी अब पहली ट्रिक जो है दोस्तों, वो है दूध मिलाना इसमें। तो आपको हल्का गुनगुना दूध लेना है, ये मैंने 1/2 कप ही लिया है, और हम इसे मिला लेंगे। यहाँ पर दूध मिलाने से फायदा ये होगा फ्रेंड्स कि ठंडी होने के बाद भी रोटियां काफी लंबे समय तक नरम बनी रहेंगी। अब इसमें मिलाएंगे पानी। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आटा हमें गर्म पानी से ही लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा कर कर पानी मिलाते जाइए, एकदम से नहीं डालना है पानी। और आटे को इस तरह से मिक्स करते जाइए। ये देखिए किस तरह से मैं उंगलियों से इसे मसलते हुए गूथ रही हूँ। और मैंने ये जो आटा लिया है दोस्तों, ये चक्की का आटा है, तो पानी इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही लगेगा, इसलिए आप पानी को थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए और अपनी जरूरत के हिसाब से ही ऐड कीजिए। और अब आटा जो है वो थोड़ा लचीला हो चुका है, तो थोड़ा सा पानी और डालकर हम इस तरह से इसे गूथ लेंगे। ये देखिए, आप जितना इसे पंच करेंगे ये उतना ही लचीला होता जाएगा। तो इस तरह से मसलते हुए बढ़िया गूथ लेना है। अब इसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, तो जो खाने वाला तेल होता है वही ले लेना है आपको। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तेल में भी इस तरह से हम थोड़ा सा मसल लेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से पंच करते हुए गूथ रही हूँ मैं। और जब तक ये एकदम लचीला और सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हम इसे गूथेंगे। और अब देखिए आटे का जो टेक्सचर है एकदम सॉफ्ट हो चुका है, ज्यादा क्रैक्स नहीं दिखेंगे इसमें आपको, एकदम सॉफ्ट डो लगा है। तो बस इस तरह से ही आपको गूंथना है। अब इसे कवर कर दीजिए और 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए आटे को चेक करते हैं, थोड़ा सा और मसल लेते हैं इसे। तो थोड़ी देर मसलने के बाद अब इसमें से एक पेड़ा ले लीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे हम और सूखे आटे में अच्छे से रोल कर लेंगे इसे। आप इस तरह से अंगूठे से इसकी किनारियों को भी दबा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ किनारियों को हमको हल्का हल्का सा दबा लेना है। और अच्छे से सूखे आटे में लपेटने के बाद अब हम इसे रोल करेंगे। तो एकदम हल्के हाथों से हमें बेलन फेरना है इसके ऊपर। ज्यादा जोर से या फिर प्रेशर देकर हमें नहीं बेलना है। तो इस तरह से रोल करते जाइए और सूखे आटे में थोड़ा सा इसे लपेटते जाइए। तो अलटते पलटते हुए इसे हम बढ़िया बेल लेंगे। और ये देखिए, एक रोटी बेल चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। तो ये मैंने दूसरा पेड़ा लिया है, इसे भी सूखे आटे में लपेट लेंगे। और बस अलटते पलटते हुए हल्के हाथों से इसे भी बेल लेना है। तो ये हमारी दूसरी रोटी भी बेल चुकी है। दोनों हाथों से इस तरह से झाड़ते हुए हम एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। अब फुली फुली रोटी बनाने के लिए इसे किस तरह से सेकना चाहिए वह भी देख लीजिए। तो गैस चालू हो चुकी है, मैं यहाँ पर लोहे के तवे पे से सेक रही हूँ। तो अच्छे से पहले तो तवे को गर्म कर लीजिए। हाई फ्लेम पर मैंने तवे को गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये बिली हुई रोटी डालेंगे। अगर आपको ज्यादा तेज आंच लगे तो आप फ्लेम को कम कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। और लगभग 30 सेकेंड तक सिकने के बाद अब इसे हम पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए हल्के से सफेद निशान आ चुके हैं। तो बस इतना ही सेकना है हमें एक तरफ से, और फिर इसे पलट देना है।
ये देखिए छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, मतलब कि ये दूसरी तरफ से भी सिक गई है। एक बार पलट कर चेक कर लेते हैं। आप इस पर इस तरह के ब्राउन निशान देख सकते हैं, मतलब कि ये बढ़िया सिक चुकी है। अब इसे तवे पर से हटाकर हम गैस पर सेकेंगे। तो मैं इस तरह का स्टैंड रखकर सेक रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट फ्लेम पर भी सेक सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया फूल रही है रोटियां, और दूसरी तरफ से भी बढ़िया सिक गई है। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक से रोटियां बनाएंगे तो आपकी सारी रोटियां फूलेंगी जरूर और लंबे समय तक सॉफ्ट भी बनी रहेंगी। और जब सारी रोटियां सिक जाए तो इन्हें कॉटन के कपड़े पर रखिए, आप चाहें तो इनमें घी भी लगा सकते हैं। तो रोटियों को आपको टिश्यू पेपर में या फिर डायरेक्ट टिफिन में नहीं रखना है, पहले इसे एक कपड़े पर रख लीजिए ताकि जो भी मॉइस्चर है वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए दोस्तों कितनी सॉफ्ट बनी है ये, और इसी तरह सॉफ्ट बनी रहेंगी ये काफी लंबे समय तक। तो दोस्तों ये था मेरा तरीका रोटियां बनाने का, आप भी इस तरीके से ट्राई करके जरूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी थी रोटियां। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।